हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम ACF के एनवायरनमेंट टॉपिक और बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इज इन्वर्टेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। और जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका जो कॉन्सेप्ट जो था वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड CO2 टू द कार्बन साइकिल इन द प्लैनेट अर्थ? वॉल्केनिक एक्टिविटीज सही है, रेस्पिरेशन ये भी सही है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, और डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये भी सही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोरल रीफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन मैनग्रूव के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? ऑप्शन ए, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, बी, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सी, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, डी, द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया। तो इकोसिस्टम जो होता है ये ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, रेडगिल और कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, इन हिमालय विच ट्री नेचुरली ग्रोइंग देयर? तो ओक और रोडोडेंड्रोन जो होते हैं ये हिमालय में पाए जाते हैं, और रोडोडेंड्रोन स्पेशली पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। सैंडलवुड जो है ये दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लीचन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ? तो ये एल्गी और फंगस का सिम्बायोसिस है, और ये एक इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिक इन फूड चेन और फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल इकट्ठा होता जाता है उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, जबकि जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो ट्रांसफर होता है उसे हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, विच इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? नेशनल पार्क सही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी सही है, वल्चर रेस्टोरेंट जो होते हैं ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो वल्चर्स को मीट खाने के लिए डाली जाती है, तो ये भी सही है, लेकिन जू एक एक्सीटू होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज नोन एज किडनी ऑफ एनवायरनमेंट या फिर किडनी ऑफ अर्थ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वेटलैंड्स जो होते हैं ये किडनी ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो अमेजन होते हैं ये लंग्स ऑफ अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैनग्रूव? तो मैनग्रूव ट्री ग्रो इन सेलाइन कोस्टल रीजन, जो लवणीय तटीय मैदान है वहाँ पर, तो ये सही हैं, और मैक्सिमम ये वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, तो ये भी सही है, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। हाल ही जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अंदर जो बाघों की संख्या है वो 2,967 है, और इसमें 33% का इजाफा भी हुआ है। 12 अगस्त को हम हाथी दिवस मनाते हैं, 22 अगस्त को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजेशन प्लांट इस्टेब्लिश एट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालचर उड़ीसा। अगला,
अर्थ आवर के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय WWF, सही है। दिस ईयर इट वॉज ऑब्जर्व ऑन 28 मार्च 2020, ये भी सही है। और इस बार जो थीम थी वो क्लाइमेट एक्शन है, तो ये सारे सही कथन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अर्थ आवर जो है प्रतिवर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, जिसमें रात 8:30 से 9:30 के बीच लाइट बंद करनी होती है 1 घंटे के लिए। अगला बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ है, ये भी सही है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम 1975 का है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड इंक्लूडेड इन रामसर साइट। तो हाल ही में भारत के 10 नए वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिसके अंदर जो महाराष्ट्र का जो नांदूर है ये पहला है, महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड है। इसके अलावा जो नवाबगंज और समाजपुर हैं ये यूपी के हैं, और जो नांगल हैं ये पंजाब का है। यूपी के 6, पंजाब के 3 और महाराष्ट्र का नांदूर इसका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 2 जून 2010 अंडर NGT एक्ट 2010, तो ये सत्य है। और 186 लॉ कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। फर्स्ट, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.56%, जिसमें से फॉरेस्ट जो है वो 21.67 और जो ट्री कवर है वो 2.89% है, और इस बार 0.65% की वृद्धि हुई है। तो ये कथन सत्य है। मिजोरम के अंदर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जंगल है, और मध्य प्रदेश के अंदर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो बांधवगढ़, सतपुरा, वन विहार, ये तीनों तो MP के हैं। राजा जी जो हैं ये उत्तराखंड का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वॉज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट दिया था। टेस्ले जो है इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दी थी। लिंडमान ने जो है ट्रॉपिकल लेवल और 10% रूल का सिद्धांत दिया था, और ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल नीच और इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट, विच बायोजोग्राफिकल जोन कंजर्व कवर्स मैक्सिमम एरिया। तो इसका सही आंसर है डेक्कन पेनिनसुला, जिसके लगभग 42% एरिया कवर करता है ये। नेक्स्ट, विच एरिया सर्व एज लिविंग लेबोरेटरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 यूनेस्को सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट, मैच करना है तो नेशनल पार्क भारत के अंदर 103 हैं, टाइगर रिजर्व भारत के अंदर 50 हैं, वेटलैंड 37 हो गए, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 537। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, और एक तरफ राज्य। तो पोनम केरल सही है, पाम्बलो मणिपुर ये भी सही है, बेवार मध्य प्रदेश ये भी सही है। जो इनकरेक्ट है वो है पोडू। पोडू जो है ये आंध्र प्रदेश या उड़ीसा का होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज के क्वेश्चंस थे।